कर्पूरी गोरम करुणावितारम संसार सारम भुजकींद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। भगत जनी, आज के इस अध्याय में हम शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चांचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य की कथा का रसपान करेंगे। सब बोलिए भगवान गौरी शंकर की जय। श्री शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप धन्य हैं, परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं। आपने कृपा करके हम लोगों को यह बड़ी अद्भुत एवं दिव्य कथा सुनाई है। भूतल पर इस कथा के समान कल्याण का सर्वश्रेष्ठ साधन दूसरा कोई नहीं है। यह बात हमने आज आपकी कृपा से निश्चय पूर्वक समझ ली है। हे सूत जी, कलयुग में इस कथा के द्वारा कौन कौन से पापी शुद्ध होते हैं, उन्हें कृपा करके बताइए और इस जगत को कृतार्थ कीजिए। सूत जी बोले कि हे मुने, जो मनुष्य पापी दुराचारी खल तथा काम क्रोध आदि में निरंतर डूबे रहने वाले हैं, वे भी इस पुराण के श्रवण पठन से अवश्य ही शुद्ध हो जाते हैं। इसी विषय में जानकर मुनि इस प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, जिसके श्रवण मात्र से पापों का पूर्णतः नाश हो जाता है। पहले की बात है, कहीं किरातों के नगर में एक ब्राह्मण रहता था, जो ज्ञान में अत्यंत दुर्बल, दरिद्र, रस बेचने वाला तथा वैदिक धर्म से विमुख था। वह ब्राह्मण स्नान संध्या आदि कर्मों से भ्रष्ट हो गया था और वैश्यावृत्ति में तत्पर रहता था। उसका नाम था देवराज। वह अपने ऊपर विश्वास करने वाले लोगों को ठगा करता था। उसने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा दूसरों को भी अनेक बहानों से मारकर उन सब का धन हड़प लिया था। परंतु उस पापी का थोड़ा सा भी धन कभी धर्म के काम में नहीं लगा था। वह पापी वैश्यगामी तथा सब प्रकार से आचार भ्रष्ट था। एक दिन वह घूमता घूमता दैव योग से प्रतिष्ठान पूर्वक झूसी प्रयाग में जा पहुंचा। वहां उसने एक शिवालय देखा, जहां बहुत से साधु महात्मा एकत्रित हुए थे। देवराज उस शिवालय में ठहर गया, किंतु वहां उस ब्राह्मण को ज्वर आ गया। उस ज्वर से उसको बड़ी ही पीड़ा होने लगी। वहां एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वर में पड़ा हुआ देवराज ब्राह्मण के मुख अरविंद से निकली हुई उस शिव कथा को निरंतर सुनता रहा और एक मास के बाद वह ज्वर से अत्यंत पीड़ित होकर चल बसा। यमराज के दूत वहां आए और उसे पाशों से बांधकर बलपूर्वक यमपुरी में ले गए। इतने में ही शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद गण वहां आ गए। उनके गोर अंग कर्पूर के समान उज्जवल थे, हाथ त्रिशूल से सुशोभित हो रहे थे, उनके संपूर्ण अंग भस्म से उद्भासित थे और रुद्राक्ष की मालाएं उनके शरीर की शोभा बढ़ा रही थी। वे सब के सब क्रोधपूर्वक यमपुरी में गए और यमराज के दूतों को मारपीट कर बारंबार धमकाकर उन्होंने देवराज को उनके चंगुल से छुड़ा लिया और अत्यंत अद्भुत विमान पर बिठाकर जब वे शिवदूत कैलाश जाने को उद्यत हुए, उस समय यमपुरी में बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उस कोलाहल को सुनकर धर्मराज अपने भवन से बाहर निकल आए। साक्षात दूसरे रुद्रों के समान प्रतीत होने वाले उन चारों दूतों को देखकर धर्मज्ञ धर्मराज ने उनका विधि पूर्वक पूजन किया और ज्ञान दृष्टि से देखकर सारा वृतांत जान लिया। उन्होंने भय के कारण भगवान शिव के उन महात्मा दूतों से कोई बात नहीं पूछी, उल्टे उन सब की पूजा एवं प्रार्थना की। तत्पश्चात वे शिवदूत कैलाश को चले गए और वहां पहुंचकर उन्होंने उस ब्राह्मण को दया सागर श्याम शिव के हाथों में दे दिया। शौनक जी ने कहा कि हे महाभाग सूत जी, आप सर्वज्ञ हैं, हे महामते, आपकी कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अतः अब भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधनी दूसरी कथा को भी कहिए। श्री सूत जी बोले कि हे शौनक जी, सुनिए, मैं तुम्हारे सामने गोपनीय कथा वस्तु का भी वर्णन करूंगा, क्योंकि तुम शिव भक्तों में
अगर गणने तथा वेद वेताओं में श्रेष्ठ हो। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहाँ वैदिक धर्म से विमुख महापापी द्विज निवास करते हैं। वे सब के सब बड़े दुष्ट हैं। उनका मन दूषित विषय भोगों में ही लगा रहता है। वे न देवताओं पर विश्वास करते हैं और न भाग्य पर। वे सभी कुटिल वृत्ति वाले हैं, किसानी करते और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते हैं। वे व्यभिचारी और खल हैं। ज्ञान वैराग्य और सहधर्म का सेवन ही मनुष्य के लिए परम पुरुषार्थ है। इस बात को वे बिल्कुल नहीं जानते हैं। वे सभी पशु बुद्धि वाले हैं। जहाँ के द्विज ऐसे हों, वहाँ के अन्य वर्णों के विषय में क्या कहा जाए। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुत्सित विचार रखने वाले स्वधर्म विमुख एवं खल हैं। वे सदा कुक्रम में लगे रहते और नित्य विषय भोगों में डूबे हुए रहते हैं। वहाँ की सब स्त्रियाँ भी कुटिल स्वभाव की, स्वी इच्छाचारिणी, पाप शक्त, कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी हैं। वे सदव्यवहार एवं सदाचार से सर्वथा शून्य हैं। इस प्रकार वहाँ दुष्टों का ही निवास है। उस वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण बड़ा अधम था, दुरात्मा और महापापी भी था। यद्यपि उसकी स्त्री बड़ी सुंदर थी, तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़कर वह दुष्ट ब्राह्मण वैशागामी हो गया था। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदुक ब्राह्मण के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वधर्म नाश के भय से कलेश सहकर भी दीर्घकाल तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होकर आगे चलकर वह स्त्री भी दुराचारिणी हो गई। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूढ़चित वाले पति पत्नी का बहुत सा समय व्यर्थ बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वैश्या का पति बना हुआ वह दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग समय अनुसार मृत्यु को प्राप्त होकर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग कर वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर उस दुराचारी पति बिंदुक के मर जाने पर वह मूढ़ हृदय चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। एक दिन दैव योग से किसी पुण्य पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। तीर्थ यात्रियों के संग से उसने भी उस समय वहां जाकर किसी तीर्थ के जल में स्नान किया। फिर वह साधारणतया मेला देखने की दृष्टि से बंधुजनों के साथ यत्र तत्र घूमने लगी। घूमती घामती वह किसी देव मंदिर में गई और वहां उसने एक देवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा सुनी। कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ व्यभिचार करती हैं, वे मरने के बाद जब यमलोक में जाती हैं, तब यमराज के दूत उनकी योनि में तपे हुए लोहे का परिघ डालते हैं। पौराणिक ब्राह्मण के मुख से यह वैराग्य बढ़ाने वाली कथा सुनकर चंचुला भय से व्याकुल हो अब कांपने लगी। जब कथा समाप्त हुई और सुनने वाले सब लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत हुई नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बांचने वाले उन ब्राह्मण देवता से जाकर बोली। चंचुला ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। स्वामिन, मेरे ऊपर अनुकंपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। आज आपके वैराग्य रस से ओतप्रोत इस प्रवचन को सुनकर मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं कांप उठी हूँ और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूढ़चित वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ। कुत्सित विषयों में मैं फंसी हुई हूँ और अपने धर्म से विमुख हो गई हूँ। हाय, न जाने किस किस घोर कष्टदायक दुर्गति में मुझे पड़ना पड़ेगा और वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष कुमार्ग में मन लगाने वाली मुझ पापनी का साथ देगा। मृत्युकाल में उन भयंकर यमदूतों को मैं कैसे देखूंगी। जब वे बलपूर्वक मेरे गले में फंदे डालकर मुझे बांधेंगे, तब मैं कैसे धीरज धारण कर सकूंगी। नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे, उस समय विशेष दुख देने वाली
उस महायातना को मैं कैसे सहूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पाप में ही डूबी रही हूँ। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु, आप ही मेरे माता और आप ही मेरे पिता हैं। आपकी शरण में आई हुई मुझ दीन अबला का आप ही उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला ब्राह्मण देवता के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठाया और इस प्रकार कहा, हरि ओम तत्सत। इसी कथा के साथ श्री शिव पुराण महात्म्य का दूसरा अध्याय